वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन प्रशिक्षण। इस वीडियो में हम तीन एवोल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला एवोल्यूशन है प्रतीक एवं धरोहर, दूसरा है बीच की यात्रा और तीसरा है संचार के साधन। इस वीडियो में हम यही तीनों एवोल्यूशन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले एवोल्यूशन नहीं सॉल्व किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट टीचर ट्रेनिंग के नाम से है, वहां जाकर के देख सकते हैं। आप आई बटन पर आ रहा होगा मेरी प्लेलिस्ट, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह एवोल्यूशन सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आपको ये सारे एवोल्यूशन 30 जून तक सॉल्व कर लेने हैं, तो जल्द से जल्द आप इसे सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रतीक एवं धरोहर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु। ऑप्शन है इसके डॉल्फिन, दूसरा है मछली, तीसरा है व्हेल और लास्ट है कछुआ। तो इसका जो आंसर सही है वो है डॉल्फिन। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रगीत के गायन की अवधि है। ऑप्शन है इसके 52 सेकेंड, दूसरा है 60 सेकेंड, तीसरा है 65 सेकेंड और लास्ट है 90 सेकेंड। तो इसका जो आंसर सही है वो है 65 सेकेंड। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। ऑप्शन है इसके चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है माघ और लास्ट है कार्तिक। तो इसका जो आंसर सही है वो है चैत्र। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लाल किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इसके दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है आगरा और लास्ट है लखनऊ। तो इसका जो आंसर सही है वो है दिल्ली। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है इसके 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा है 2 अक्टूबर और लास्ट है 14 अक्टूबर। तो इसका जो आंसर सही है वो है 15 अगस्त। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। पहला ऑप्शन दिया गया है मुंडोक उपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है भारत भारती और लास्ट है आनंद मठ। तो इसका जो आंसर सही है वो है आनंद मठ। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन है इसके 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और लास्ट है 4। तो इसका जो आंसर सही है वो है 3। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन है इसके विक्रम संवत, दूसरा है कोल्लम संवत, तीसरा है शक संवत और लास्ट है ग्रेगोरियन संवत। तो इसका जो आंसर सही है वो है शक संवत। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था। ऑप्शन है इसके महात्मा गांधी, दूसरा है बंकिम चंद चटर्जी, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और लास्ट है पिंगली वेंकैया। तो इसका जो आंसर सही है वो है पिंगली वेंकैया। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन है इसके 3:4, दूसरा है 3:2, तीसरा है 2:3 और लास्ट है 4:3। तो इसका जो आंसर सही है वो है 3:2। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए, स्कोर 10 out of 10 आ गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट एवोल्यूशन सॉल्व करते हैं, बीच की यात्रा। देखिए, बीज की यात्रा का पहला क्वेश्चन दिया गया है घर पर जैविक खाद के निर्माण में हम आवश्यक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है इसके सब्जियों फलों के छिलके, दूसरा है गोबर, तीसरा है पेड़ पौधे के गिरे हुए पत्ते और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है उपरोक्त सभी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बीजों के अंकुरण हेतु अति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन से इसके ऑक्सीजन एवं पानी, दूसरा है प्रकाश एवं तापमान, तीसरा है मिट्टी और लास्ट है वर्षा का पानी। तो इसका जो आंसर सही है वो है वर्षा का पानी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें ठंडे मौसम में बोई जाने वाली फसलें नहीं हैं।
ऑप्शन है इसके चना मटर, दूसरा है सोयाबीन लोबिया, तीसरा है गेहूँ आलू और लास्ट है सरसों मसूर। तो इसका जो आंसर सही है वो है सोयाबीन लोबिया। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान परिपेक्ष में आधुनिक सिंचाई का संसाधन है। ऑप्शन है इसके नलकूप एवं इंजन पद्धति, दूसरा है राहट पद्धति, तीसरा है टपक एवं स्प्रिंकलर पद्धति और लास्ट है ढेर पद्धति। तो इसका जो आंसर सही है वो है टपक एवं स्प्रिंकलर पद्धति। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान परिपेक्ष में आधुनिक सिंचाई का संसाधन है। ऑप्शंस सेम है, इसमें फिर से वही ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे थर्ड पे। ये यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, तो आप इस पर थर्ड पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से बीज की संरचना का भाग नहीं है। ऑप्शन से इसके भ्रूण, दूसरा है बीज पत्र, तीसरा है पुंकेसर और लास्ट है बीज चोल। तो इसका जो आंसर सही है वो है पुंकेसर। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण किसके कारण अधिक बढ़ रहा है। ऑप्शन से इसके जानवरों के कारण, दूसरा है पेड़ काटने के कारण, तीसरा है जल भंडारण के कारण और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है उपरोक्त सभी। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बीज अंकुरण हेतु सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शन है इसके ऑक्सीजन, दूसरा है पानी, तीसरा है खाद और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है पानी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्षीय फसलों के उदाहरण हैं। ऑप्शन है इसके मूँगफली, दूसरा है सरसों, तीसरा है आलू और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है मूंगफली। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऋतुओं के अनुसार जुताई डैश प्रकार की होती है। ऑप्शन से इसके तीन, दूसरा है चार, तीसरा है एक और लास्ट है पाँच। तो इसका जो आंसर सही है वो है तीन। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। स्कोर 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ और वो सॉल्व करते हैं, संचार के साधन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, संचार के साधन का, निजी जानकारी किस मेल द्वारा चुराई जाती है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है स्पैम मेल, दूसरा है स्नेल मेल, तीसरा है फिशिंग ईमेल और लास्ट है ट्रैश मेल। तो इसका जो आंसर सही है वो है फिशिंग ईमेल। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है। ऑप्शन से इसके ब्राउजिंग, दूसरा है सर्चिंग, तीसरा है फिशिंग और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है फिशिंग। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, WWW का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन से इसके वेब वाइड वर्ल्ड, दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा है वर्ल्ड वेब वाइड और लास्ट है वर्ड्स वाइड वेब। तो इसका जो आंसर सही है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन से इसके दो, दूसरा है तीन, तीसरा है चार और लास्ट है पाँच। तो इसका जो आंसर सही है वो है चार। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संचार के मुख्य कितने तत्व हैं। ऑप्शन से इसके दूरदर्शन चैनल, दूसरा है आकाशवाणी, तीसरा है डाक सेवा और लास्ट है स्टेनली फोन सेवा। तो इसका जो आंसर सही है वो है डाक सेवा। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन चैनल है। ऑप्शन से इसके दूरदर्शन चैनल, दूसरा है आकाशवाणी, तीसरा है डाक सेवा और लास्ट है स्टेनली फोन सेवा। तो इसका जो आंसर सही है वो है डाक सेवा। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में संचार का सबसे तेज एवं सस्ता साधन कौन सा है। इसके जो ऑप्शन है वो है कुरियर सेवा, दूसरा है ईमेल, तीसरा है फैक्स और लास्ट है स्नेल मेल। तो इसका जो आंसर सही है वो है ईमेल। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल का पूरा नाम है। ऑप्शन है इसके इलेक्ट्रिसिटी मेल, दूसरा है इंजन मेल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेल और लास्ट है इमोशन मेल। तो इसका जो आंसर सही है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संचार। ऑप्शन से इसके लिखित रूप में होता है, दूसरा है मौखिक रूप में होता है, तीसरा है दोनों रूप में होता है और लास्ट है दोनों ही नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो है दोनों रूप में होता है। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संचार क्या है। ऑप्शन से इसके चिड़ियों का चहचहाना, दूसरा है सर्प की फुकार, तीसरा है दो लोगों के बीच वार्तालाप और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है उपरोक्त सभी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। स्कोर 10 out of 10 आ चुका है, इसका मतलब सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सब खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।